तो दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और मार्केट कैप के अनुसार रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। क्वार्टर फोर मतलब जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 के बीच में जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं वो आ चुके हैं, मतलब जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का रिजल्ट है वो आ चुका है और रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार आया है। और ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखा जाए जो आईटी सेक्टर है पिछले एक साल से बहुत ज्यादा धीमा चल रहा है और लास्ट क्वार्टर तो बहुत ज्यादा धीमा था, जिसके कारण क्या है कि इसके रिजल्ट जो है अच्छे आने की उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी टीसीएस के रिजल्ट बहुत ही शानदार हमें देखने को मिले हैं। तो हो सकता है इस शेयर के अंदर हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिले। और बात करें अगर टीसीएस के शेयर की तो कोई भी खास मूवमेंट नहीं है, एक साल से अगर इस शेयर को देखें तो एक ही भाव पर लगभग अटका हुआ पड़ा है, मतलब ज्यादा कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही है इस शेयर के अंदर। तो ये जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि FY23 के रिजल्ट जो है FY22 से कंपेयर करें तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसके क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट है जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2023 के बीच में जिसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है 16.9% की, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट के अंदर देखें तो प्रॉफिट के अंदर 14.8% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब पिछले सेम इसी क्वार्टर के अंदर, पिछला साल था सेम इसी क्वार्टर के अंदर उसकी जो ग्रोथ है 14.8% प्रॉफिट के अंदर और 16.9% इसके रेवेन्यू के अंदर। तो बात करें इसके रेवेन्यू की, जो रेवेन्यू होता है टोटल कलेक्शन होता है, टोटल जो इसने बिजनेस किया है वो रेवेन्यू जो इसने जनरेट किया है इस साल 59,162 करोड़ रुपए, मतलब इस क्वार्टर के अंदर 59,162 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। और लास्ट ईयर था इसी क्वार्टर के अंदर 50,591 करोड़ रुपए, लगभग 16.9% मतलब 16.9% की ग्रोथ है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट की, मतलब जो भी हमारे टैक्स वगैरह काटने के बाद या सैलरी देने के बाद जो भी हाथ में हमारे बचता है, जो भी पैसे बचते हैं वो प्रॉफिट कहलाता है। तो प्रॉफिट है 11,436 करोड़ रुपए इस क्वार्टर का, और लास्ट ईयर सेम इसी क्वार्टर के अंदर जो उसका प्रॉफिट था 10,846 करोड़ रुपए का। तो लगभग जो ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर 14.8% की, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। और अगर प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो करीबन 20% के मार्जिन निकल कर आते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त है। हालांकि छोटी छोटी आईटी कंपनियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इनके मार्जिन पर, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट पर असर पड़ा है, पर ज्यादा असर नहीं देखने को मिला क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट जो है काफी अच्छे आ रहे हैं। और दोस्तों आईटी सेक्टर पूरा धीमा होने के बावजूद भी टीसीएस के रिजल्ट हमें काफी अच्छे देखने को मिले हैं और ये लीडिंग कंपनी है, टीसीएस जो है इंडिया की लीडिंग कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर। और उसके अलावा रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं तो टीसीएस ने क्या है कि 24 रुपए पर शेयर का डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट कर लिया है, मतलब जो भी टीसीएस के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए तो जबरदस्त खुशखबरी है। मतलब इस शेयर के अंदर मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है और ये जो डिविडेंड है इसकी जो एक्स डिविडेंड डेट है उसकी जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकती है। और उसके अलावा बात करें इसके बिजनेस की तो इंडिया, यूके, यूएसए सब जगह इसका बिजनेस जो है बढ़ा है। फिर दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कंपनी जो इंफोसिस है उसका भी जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है कल तक हमें देखने को मिल जाएगा और इसका भी रिजल्ट देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि टीसीएस और इंफोसिस के अंदर बहुत जबरदस्त टक्कर रहती है। अगर इंफोसिस के रिजल्ट टीसीएस से भी अच्छे आ जाते हैं तो इंफोसिस के शेयर के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फिर दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस के शेयर को लेकर जिसके ऊपर बहुत बड़ी खबर आ रही है, मतलब एक बुरी खबर आते हुए हमें देखने को मिल रही है। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि क्या कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहां पर भी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और छोटी मोटी जो जानकारी है वहां सीधी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है आपके, आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगा। तो दोस्तों बात करें बजाज फाइनेंस के शेयर की तो बजाज फाइनेंस का जो शेयर है पिछले 6 महीनों से बहुत ज्यादा डाउन चल रहा, मतलब लगभग 20% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 6 महीनों से। अगर इसके हाई की बात करें तो इसने 8,000 रुपए तक का हाई बनाया था, काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और अभी शेयर की प्राइस देखें तो 5,800 रुपए के आसपास चल रही है, मतलब 20% जैसी गिरावट देखने को मिल रही है बजाज फाइनेंस के शेयर के अंदर। अभी एक ब्रोकरेज फर्म है इन्वेस्टेक, उन्होंने क्या है कि एक बयान दिया है, मतलब उन्होंने एक खबर दी है कि उसका जो टारगेट है और ज्यादा डाउन बताया, मतलब 4,800 रुपए के आसपास इसका टारगेट बताया, मतलब और ज्यादा गिरावट हो सकती है उस ब्रोकरेज फर्म के अनुसार। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो,
पर उन्होंने ऐसा टारगेट बनाया है। उसके कुछ कारण भी उन्होंने बताए हैं। उन्होंने सबसे बड़ा कारण ये बताया कि इसका जो कंपटीशन है, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। मतलब अभी जो प्राइवेट बैंक्स की बात करें, मतलब HDFC, ICICI से ऐसी जो प्राइवेट बैंक है उनसे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि अभी जो ये प्राइवेट बैंक है जो पर्सनल लोन होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मतलब बाय नाउ ऑन पे लेटर, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि इनको टक्कर मिलती ही जा रही है। फिर इसके जैसी और भी कंपनीज है, जैसे पेटीएम, पूनावाला फिनकॉर्प है, और उसके अलावा सबसे बड़ी जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल, जिसका शेयर अभी लिस्ट होने की पूरी न्यूज़ भी आ रही है। जिसके बाद से, जब से जियो फाइनेंशियल की न्यूज़ आई है उसके बाद से तो इस शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। और जियो फाइनेंशियल अगर लिस्ट हो जाती है तो काफ़ी सारी कंपनीज को टक्कर मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बाकी सारी कंपनियाँ बंद हो जाएगी, सबका बिजनेस चलेगा, पर जियो फाइनेंशियल जो है एक मेन लीडिंग कंपनी बन के सामने उभर सकती है, जो कि काफ़ी कंपनीज को टक्कर दे सकती है। बाकी अगर बजाज फाइनेंस के अगर शेयर को देखें, मतलब अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर FY23 के क्वार्टर, तीन क्वार्टर के भी रिजल्ट देखें तो काफ़ी अच्छे आए हैं, और क्वार्टर फोर का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आने की उम्मीद है। और इसका जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है 26 अप्रैल को आएगा। अगर अच्छा आ जाता है तो हो सकता है इस शेयर के अंदर वापस रिवर्सल देखने को मिल सकता है, इस शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी मुझे फाइनेंशियली और फंडामेंटली बजाज फाइनेंस का शेयर काफ़ी शानदार लग रहा है। जो ये न्यूज़ थी अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब ऐसी ब्रोकरेज फर्म जो है अपनी न्यूज़, अपना टारगेट वगैरह देती रहती है, तो ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि चिंता करने की ज़रूरत है। हमें इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट का वेट करना चाहिए। अगर अच्छा आता है तो मुझे लगता है इस शेयर के अंदर वापस ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और बाकी जियो फाइनेंशियल का अगर शेयर आएगा, जरूर बाकी सारी फाइनेंस कंपनी जो है, NBFC कंपनी जो, मतलब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनको टक्कर तो मिलेगी, ये तो 100% तय है। बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी सारी कंपनियां डूब जाएगी, जो भी अपने लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करेगी वो कंपनियां तो आगे बढ़ेगी, तो ये बात है। और बाकी आपको क्या लगता है बजाज फाइनेंस का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? क्या ये 5000 के लेवल के आसपास आ जाएगा, या वापस जो है अपना 7 से 8 हज़ार का लेवल वापस क्रॉस करेगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आता है अगर अच्छा आ जाता है तो वापस जो ये अपना 7 से 8 हज़ार का लेवल है वापस क्रॉस कर सकता है। दोस्तों ये थे आज के सारे अपडेट। और बात करें अगर आज मार्केट की, तो मार्केट के अंदर भी आज हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली। IT सेक्टर और फार्मा सेक्टर के शेयर्स के अंदर बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है, तो इन दो सेक्टर्स के कारण मार्केट आज मजबूत रहा। तो ये दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।